नरेंद्र मोदी जो हैं धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी कुछ करते नजर आते हैं, या फिर हम सीएम योगी की बात करें तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? कई लोग कहते हैं कि भाई जब आप संवैधानिक पद पर हैं तो आपको धर्म का प्रचार प्रसार इस तरह से नहीं करना चाहिए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? संविधान ये नहीं कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते फिर काय का धर्म निरपेक्ष हमारा संविधान? हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, और जो सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है, जो भारत का धर्म है, हिंदुस्तान का धर्म है, उसका प्रचार प्रसार यदि कर रहे हैं, हकीकत में इतिहास को उठा करके देखो, हमारे मंदिर लूटे गए, हमारे तीर्थ लूटे गए, हमारे धर्म का परिवर्तन किया गया, जितना भी हुआ है सब हमें दूसरों के द्वारा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा सरकार कर रही हैं ये कुछ कर नहीं रही हैं, ये कोई प्रश्न खड़े नहीं कर रही हैं, ये समाज में मौजूद प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर रही हैं। तो मौजूदा सरकार जवाब है, प्रश्न नहीं है। यानी पीएम मोदी और योगी जी जिस तरह से सनातन को लेकर जो भी काम कर रहे हैं वो आप उनको रजामंदी देते हैं, आपको लगता है वो सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हमारे ही देश में नहीं करेंगे तो क्या पड़ोस में जाकर के करेंगे? और जब हमारे धर्मों को कोई क्षति पहुंचाएगा तो ये तो सारे संतों ने, भगवंतों ने, महावीर जैसे अहिंसक ने भी कहा है कि यदि तुम्हारे धर्म को क्षति पहुंचती है तो आप उसको अब जमकर के मुकाबला कर सकते हैं, वरना धीरे धीरे तो यहाँ से हमारी संस्कृतियाँ तबाह हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, हमारा युवा इस तरह से धर्म से दूर होता चला जाएगा। कभी कभी धर्म रक्षा के लिए राम को भी धनुष उठाना पड़ता है, कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है, कि कहा ही हमारे पुरुषों ने कि धर्म की रक्षा के लिए मैं बार बार जन्म लूँगा, किस रूप में लूँगा ये ईश्वर जाने। मोदी योगी जी ने, इनकी जोड़ी ने क्या हिंदुओं को उनकी शक्ति का एहसास दिलाने और वापस दिलाने में किस तरह की भूमिका निभाई है? इन दोनों नेताओं को आप कैसे देखते हैं? आपके व्यू पॉइंट्स भी जानना चाहूंगी इन दोनों नेताओं को लेकर। देखो, दोनों नेताओं ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया है, और संतों ने भी उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया है कि जो वर्षों में नहीं हुआ वो काम उन्हें करके दिखाए हैं। हमेशा हिंदुओं का शोषण होते रहा है, इतिहास को उठा करके देखो, हिंदुओं को गलत कहा जाता रहा है, हिंदुओं के साथ मारकाट होती रही है, उनकी चोटियाँ काटी जाती हैं, उनके मंदिर तोड़े जाते हैं, लेकिन कम से कम आज हम दिगंबर जैन संत हैं, हम भी सड़कों पर एक समय वह था जब निकल नहीं पाते थे, क्योंकि ये से हमारा, ये हमारी संस्कृति है, ये भारतीय धर्म है, दिगंबरत महादेव शिव से दिगंबरत यहाँ पर चला आ रहा है, ऋषभ देव से दिगंबर, लेकिन कई स्थान ऐसे जहाँ हमें भी आज जाने में पाबंदी है, हम अपनी सभ्यता संस्कृति को लेकर वहाँ नहीं जा सकते हैं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जब से योगी और मोदी इस देश में आए हैं हम पूरे देश में स्वतंत्र विचरण करते हैं, हम पर छींटाकसी नहीं होती है, और हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को आनंद से जी सकता है। इतनी ताकत, इतना हौसला इन दो नेताओं ने।